आदाबर्स है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी नई दिल्ली पहुंच गए, फौसकान के सदर नशीन से मुलाकात, कांग्रेस हाई कमान से भी मुलाकात मुतवक्को। गवर्नर एमएलसी कोटे में नामों की मंजूरी के बाद आमिर अली खान और कोदंडा राम ने एमएलसी की हैसियत से हलफ लिया, गवर्नर और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, कारगुजार सदर केटीआर का बयान। कोलकाता खातून डॉक्टर वाक़े पर मुल्क भर में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी, गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का एहतजाज, आईएमए ने 17 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल का किया ऐलान। आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसा, शीरख्वार के बशमूल 4 अफराद हलाक और कई जख्मी, मुतालिका पुलिस ने की जाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। मगरबी बंगाल रियासत में वाकई कोलकाता में हुए खातून जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल वाकये की मजम्मत में मुल्क भर के डॉक्टर्स सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने भी इस सिलसिले के तहत 17 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है। हैदराबाद में वाकई सरकारी दवाखानों में भी इस वाकये की मजम्मत में डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद में भी डॉक्टर्स ने प्ले कार्ड्स हाथ में थामे हुए एहतजाज किया। बारिश की परवाह न करते हुए डॉक्टर्स ने एहतजाज में शिरकत की और हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो डॉक्टर्स के तहफ़ के लिए कानून साजी को यकीनी बनाएं। गवर्नर तेलंगाना की जानिब से एमएलसी कोटे में हुकूमत के सिफारिश करदा नामों की मंजूरी के बाद न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान और जना समिति के सरबराह प्रोफेसर कोदंडा राम को एमएलसी के अहदे के लिए हलफ दिलवाया गया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडा राम और न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान ने एमएलसी का हलफ लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्हें एमएलसी का इंतखाब करने पर रियासती गवर्नर और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि उन्हें जिस उम्मीद से एमएलसी के ओहदे पर फायज किया गया है इस पर वो पूरा उतरने की कोशिश करते हुए आवाम की खिदमत अंजाम देंगे। प्रोफेसर कोदंडा राम ने बताया कि तेलंगाना के हुसूल के लिए कई कुर्बानियां देने और आवामी खिदमात करने के बाद उनको एमएलसी मुंतखब होने पर जहां खुशी महसूस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ वो नौजवानों को याद कर रहे हैं जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी थी। ఎం కోదండరామారెడ్డి అను నేను శాసన పరిషత్తు సభ్యునిగా నామనిర్దేశము అయినందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను।
तेलंगाना काउंसलर्स काउंसिल के लिए गवर्नर के कोटे के तहत दो एमएलसी नशिस्तों के लिए नामजद आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत और प्रोफेसर कोदंडा राम सदर तेलंगाना जनसमिति को सदरनशीन खानसास काउंसल जी सुखेंदर रेड्डी ने अपने चैम्बर में हलफ दिलवाया। आमिर अली खान ने उर्दू ज़बान में अल्लाह के नाम पर जबकि प्रोफेसर कोदंडा राम ने तेलुगु ज़बान में हलफ लिया। इस मौके पर रियासी वज़रा पूनम प्रभाकर पी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा वज़ीर-ए-आला के मुशीर सुरेंद्र रेड्डी सेक्रेटरी असेंबली नरसिम लोचारी और दीगर भी मौजूद थे। मैं आमिर अली खान जिसे कानून साज असेंबली का रुकन नामजद किया गया है अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं कानून की दौर से राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फर्मा बरदार रहूँगा, हिंदुस्तान के इख्तदार आला और इसकी सालमियत को बरकरार रखूँगा और इस फर्ज मनसबी को जो मुझे तफवीज किया गया किया जाने वाला है पूरी दयानतदारी से अंजाम दूंगा। आमिर अली खान रुकन कानून साज तेलंगाना कानून साज काउंसिल अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान के कवायद का पाबंद रहूँगा, उन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को महफूज रखते हुए ऐवान की रिवायत का एहतराम करूँगा। ग्रेटर हैदराबाद के कई मकामात सिकंदराबाद रसूलपुरा पैराडाइस और दीगर मकामात पर साबिक वजीर हरीश राव से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा करते हुए फ्लैग्स नस्ब किए गए क्योंकि कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने किसानों के 2 लाख रुपये तक के खर्चात माफ़ करने के इकदाम 15 अगस्त को कर दिया था। वाज़ रहे कि हरीश राव ने वज़ीर-ए-आला को चैलेंज करते हुए हुकूमत की जानिब से 2 लाख रुपए तक के खर्चात एक साथ माफ़ कर दिए तो वो असेंबली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे देंगे। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ धोखादही का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने ना तो किसानों के एक ही दिन में 2 लाख रुपए तक के खर्चात माफ़ करने का वादा पूरा किया और ना ही बेरोज़गार नौजवानों को माहाना 4,000 रुपये अलाउंस देने का वादा पूरा किया है और ना ही वजीफे की रकम में इजाफा किया और ना ही ख़वातीन को हर माह 2,500 रुपये देने का अपना वादा पूरा किया। उन्होंने हरीश राव से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए शहर में लगाए गए फ्लैक्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मुख्यमंत्री गारु निन्न चूस्ता उंटे आयन मातलु चूस्ता उंटे निजंगा आ फ्रस्ट्रेशन एंदो गानी आयन माट्लाडे मातलु ओकटेमो बाक्रा नंगल इक्कड उंदंटाडु इंकोटेमो गूगल विप्रो सीईओ सत्या नादेल्ला अंटाडु तर्वात इंका चाला उन्नायि आयन मातलु विंटा उंटे नाकैते आयन मानसिक संतुलनं मीद अनुमानं उंदि आयन कुटुंब सभ्युलकु नेनु विज्ञप्ति चेस्ता उन्ना आलोचिंचुकोंडि एदो अयिनट्टुंदि पापं दयचेसि चूपेट्टंडि एंदुकंटे राष्ट्र भविष्यत्तुकु प्रमादं पिचोडि चेतिलो रायिलागा राष्ट्रं मारिते राष्ट्रानिकि प्रमादं ఆయన మరి అసహనము ఫ్రస్ట్రేషన్ బాగా పెరుగుతోంది ఎందుకంటే ఆయన విషయాలన్నీ బయటపడుతున్నాయి ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా బావమర్దికి అమృత్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిన విషయం బయటపడ్డది తమ్ముడితో ఎంఓయూ చేసుకున్న విషయం అమెరికాలో బయటపడ్డది ఇంకా ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా చాలా బయటకు వస్తున్నాయి కాబట్టి తిట్లు బూతులు అవాకులు చెవాకులు ఫ్రస్ట్రేషన్లో బీపీ పెంచుకున్న అరచడాలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और पी श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटरीट पहुंचकर वहां पर 20 अगस्त को साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के मुजस्मे नस्ब करने का मुआयना करते हुए अहदेदारों को कई एक हिदायतें दी। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत ने राजीव गांधी की यौमे पैदाइश के मौके पर सेक्रेटरीट के पास राजीव गांधी का मुजस्मा नस्ब करने का फैसला किया है जिसकी नकाब कुशाई साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी करेंगी और इस तकरीब में अपोजिशन कायद लोकसभा राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। ये मैप है माय फ्रेंड
तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की जानिब से हुकूमत की तरफ से ख्वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत पर ख्वातीन के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उन्होंने केटी रामाराव से मुतालबा किया कि वो अपने अल्फाज से दस्तबरदारी अख्तियार करें और ख्वातीन से माफ़ी मांगे। महेश कुमार गौड़ ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की कि मंडल सतह पर और असम्बली हलकों में केटीआर के खिलाफ एहतजाजी धरने मुनज़िम करते हुए केटीआर के अलामती पुतले नज़र आतिश करें। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और तवक्को है कि वो सदरनशीन कांग्रेस के अलावा हाईकमान और दीगर क़ायदीन से मुलाकात करेंगे। जुमा को उन्होंने फॉक्सकॉन के सरबराह से नई दिल्ली में मुलाकात भी की। नाज़रीन इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने जुमे को दिल्ली में फॉक्सकॉन के सदरनशीन यंग लियू से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला ने फॉक्सकॉन के सदरनशीन को तेलंगाना की चौथी सिटी में कंपनी की फैसिलिटी के क़याम के सिलसिले में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इत्तला है कि फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू जल्द हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। तिरुपति से हैदराबाद आने वाली तेलंगाना आरटीसी की बस हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक बापटला ज़िले के अडंकी मंडल के पास बस उलट गई। बस में 26 मुसाफरीन सवार थे। 10 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा रंगारेड्डी ज़िले के पिद्दा गुलकुंडा में आउटर रिंग रोड पर एक तेज़ रफ्तार बेलिनो कार और तूफान गाड़ी से तसादुम के नतीजे में पेश आया। इस हादसे में तूफान गाड़ी में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई जिनमें 2 माह की बच्ची भी शामिल है। हादसे में 10 दीगर अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकामी वाक़े पहुंच गई और ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो की जानिब से गांजे के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बताया गया है कि ऑनलाइन गांजे के चॉकलेट्स की फरोख्त के रैकेट को बेनकाब किया गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात से ऑनलाइन ऑर्डर पर गांजे के चॉकलेट्स फरोख्त किए जा रहे थे। तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर संदीप शिंडेलिया की क़्यादत वाली टीम ने एक टोली का पर्दाफाश किया और उत्तर प्रदेश से 2 अफराद को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि ऑनलाइन ऑर्डर पर गांजे के चॉकलेट्स फरोख्त किए जा रहे थे। नारकोटिक्स की टीम ने गाहक बनकर गांजे के चॉकलेट्स के लिए ऑर्डर किया और फिर इस टोली का पर्दाफाश हुआ। इंडिया मार्ट के जरिए ऑनलाइन ये गांजे के चॉकलेट फरोख्त किए जा रहे थे। राजस्थान में 7 कंपनियों की निशानदेही हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 8 कंपनियों की निशानदेही हुई है। मजीद कार्रवाई जारी है।
तेलंगाना निर्मल जिले के बसारा की मशहूर ज्ञान सरस्वती मंदिर से 20,000 रुपये की रकम और दूसरा सामान सरका कर लिया गया। ये वाकया चाशंबे की रात पेश आया था और अब इसका CCTV फोटेज सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक सारिख मंदिर की दीवार फलांग कर रात 10 बजे अंदर दाखिल हुआ और फिर हुंडी और अलमारी को खोल कर सरके की वारदात अंजाम दी। बताया जा रहा है कि तकरीबन एक घंटे तक सारिख मंदिर में मौजूद रहा। यह भी पता चला है कि इस मंदिर की निगरानी के लिए 25 होमगार्ड्स तैनात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सारिख ने होशियारी के साथ कार्रवाई अंजाम दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम में वाकया पहुंची और इस वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। औलाद औलाद होती है, लेकिन माजूर औलाद को नज़रअंदाज करते हुए बीवी को भी घर में दाखिल होने से रोके जाने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदरगुड़े में अलिक्या नामी खातून अपने शोहर के घर के पास एहतजाज करती नजर आई। बताया जा रहा है कि अलिक्या का शोहर उदय भास्कर अपनी बीवी को इसलिए घर में आने से रोक रहा है क्योंकि वो एक माजूर बच्चे की माँ हैं। अलिक्या का कहना था कि ये अपना बच्चा है और क्यों इस तरह से बच्चे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अलिक्या ने इसके और इसके बेटे के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। बोराबंडा पुलिस स्टेशन हदूद के बंजारा नगर में पुलिस की तरफ से खातून के घर पर धावा किया गया। बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर बेल्ट शॉप चलाए जाने के सिलसिले में ये धावा किया गया। मुतासरा खातून का ये इल्ज़ाम था कि पुलिस की तरफ से हिरासा किया गया है। पुलिस को घर की गेट पर लात मारते हुए भी देखा गया और इसका फुटेज भी सामने आया है। मुतासरा खातून ने पुलिस के आला हुकाम से सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया। शादनगर में सरकारी हॉस्पिटल की नर्स और दूसरे तिब्बी अमले ने खिदमात का बाइकाट किया है। तफसीलात के मुताबिक कुत्ते के काटने का शिकार खातून नीलम भार्गवी हॉस्पिटल आई थी और वो टीका देने के लिए इसरार कर रही थी, जबकि नर्स का कहना था कि फ़िलहाल टीके दस्तियाब नहीं हैं। इसी बात को लेकर बहस व तकरार हुई। नीलम भार्गवी की तरफ से नर्स पर मुबैना हमले की कोशिश की गई। इसका CCTV भी सामने आया है। तिब्बी अमले ने नीलम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरे स्टाफ ने भी खिदमात का बाइकाट करते हुए इस सिलसिले में एहतजाज किया।
वज़ीर-ए-आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने 15 अगस्त यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर किले गोलकुंडा में कई पुलिस अहदेदारों को मेडल्स से भी नवाजा, इन्हीं में मोहम्मद आरिफ अली भी शामिल हैं। यौम आज़ादी के मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किले गोलकुंडा पर परचम कुशाई के बाद पुलिस अहदेदारों को मेडल्स अता किए, इन्हीं में मोहम्मद आरिफ अली सीनियर कमांडो ग्रेहाउंड्स, वल्द मोहम्मद हैदर अली मरहूम पुलिस डिपार्टमेंट साकिन तालीम मल्लड़ भी शामिल हैं। उनकी बेहतरीन खिदमात पर इंडियन पुलिस मेडल से उन्हें नवाजा गया है। अफजलगंज पुलिस ने एक शिकायत मौसूल होने पर कार्रवाई करते हुए बैग का सरखा करने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया और सरखा शुदा अशिया बरामद की गई। अफजलगंज पुलिस ने एक शिकायत मौसूल होने पर एक बैग लिफ्टर को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 15 तोले तलाई जेवर जुमला मालियाती 11 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 48 साल के संपत रेड्डी साकिन मिर्चल को हिरासत में लिया गया है। मामले के तत्व यहाँ के 5 अगस्त 24 के 2020 में एक श्रीकांत कल्लपल्ली एक गोदावरी कन का लड़का है, एक कंप्लेंट दिया इसका सिस्टर के बैग में एक चोरी हुआ है अफजलगंज बस स्टैंड में। सो सिस्टर फ्रॉम MGBS टू गोदावरी कनी जाने के लिए हर सिस्टर को MGBS बस स्टैंड में ड्रॉप किया। गोदावरी कन के जाके बाद उनका सिस्टर नोटिफाइड दैट हर गोल्ड आर्नमेंट्स आर मिसिंग फ्रॉम दी बैग। शैल आई टेल इन इंग्लिश? ओके। बेस्ड ऑन दैट कंप्लेंट वी रजिस्टर्ड ए क्राइम एंड बेस्ड ऑन दी CCTV फुटेज वी अप्रिहेंडेड accused namely Sampat Reddy. He belongs to Usnabad of Siddipet district and he is doing continuously the same type of offences in the bus stands, in crowded places, wherever the passengers are not wherever the passengers are going on the bus, and whenever they are not in the bus he alone went inside the buses and searches bags and he stolen the valuable properties. Based on that information, we arrested this Sampat Reddy and recovered 15 tulas of gold and 20 tulas of silver. And he is accused, confessed 3 offences which was registered, one in recently, that one based on this complaint only, we apprehended this accused. And previously also 2 offences he confessed, 206/23 and 265/23, which happened in the last year. मुस्लिमीन के अराकी ने बलदिया भी मुतालिका डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीजन मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने वाहिद नगर में GHMC की जानिब से लाए गए ड्रोन्स का मुआयना किया, जिसके ज़रिए मूसा नदी के किनारे दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। इस मौके पर GHMC के अमले के अलावा अहदेदार और सरगम जैसे कारकुन भी मौजूद थे।
जिले जगतियाल कोड़ी म्याला मंडल से वायरल हुए एक वीडियो में सांप का मुंह बीर टिन में फंसने से देहातियों में बेचैनी देखी गई। इसे निकालने की कोशिश की गई जो कि नाकाम ही, तहम घास में बीयर टिन फट पड़ने के बाद सांप बाहर निकल आया और वहां से गायब हो गया। जेरगोड़ है ना? दम कत्ला डबे तेल पड़ा पाप कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कोमी की जानिब से खानगी कॉलेजेस और स्कूल्स के करेस्पॉन्डेंट्स, प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स के साथ एक इजलास मुनाक़िद किया गया। इस इजलास में संदीप शंडलिया, आईपीएस डायरेक्टर तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की, जबकि स्नेहा मेहरा आईपीएस डीसीपी साउथ जोन ने मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब भी किया। इस इजलास में कौमी के जिम्मेदारान और अहदेदारान भी मौजूद थे। इस सेक्शन में सिर्फ दो ही केस बुक किए हुए तेलंगाना में, सिर्फ दो केस। कितने ऐसा बोलते हैं कि स्कूल कॉलेज के बच्चे ये सिगरेट पीते हैं, पीते हैं। जो बेचता है उसको 7 साल की सजा है। अगर मैं एक पान का दुकान का डब्बा वाला हूं, मैं गांजा, चॉकलेट, नहीं तो सिगरेट, नहीं तो कुछ भी ऐसी इंटॉक्सिकेटिंग चीज जो देता हूं, वो देना मात्र ही अगर एक मैं खरीद रहा हूं, किसी ने अपने कैमरे से फोटो ले ली, वो फोटो के उससे 7 साल की सजा हो सकती है। जो अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा है, तो हमारे जिन्होंने कानून बनाया वो चाहते हैं, पर हम जो कानून का तामील करते हैं, उसका वो करते हैं, हम इतना सीरियसली नहीं लेते कि चलो वो बच्चे का माँ बाप देखेंगे, बच्चे के टीचर देखेंगे, हम नहीं देखते। पर हम आपसे क्या इल्तजा करते कि आपको अगर ऐसा कुछ भी नोटिस आता है, आप हमारा वो 87126 वो नंबर लिखा हुआ है 71111 पे आप जरूर हमारे को फोन करके बताएं कि शायद, देखो तो आपका काम बताना है पर वो अमल हो रहा है नहीं हो रहा है, पर आपको लिख के या नहीं तो इस नंबर में आप फोन करके बताएं अगर कोई भी आदमी बच्चों को नशीली चीजें बेच रहा है तो आप हमारे को जरूर बताएं। भी बहुत खुशी है कि कौमी भी ये एंटी ड्रग कैंपेन के लिए सामने आए हैं। तो कौमी के सब अहदेदार आप बात किए, उनसे हमारी थोड़ी दोस्ती भी हो गई है। एक बड़ा प्रोग्राम वो करना चाहते हैं जिसके तहत वो ऑलमोस्ट 1 लाख घरों के अंदर ये एंटी ड्रग कैंपेन का मैसेज भिजाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अच्छा वो प्रोग्राम जाएगा, हम 1 लाख फैमिलीज़ के अंदर एंटी ड्रग का अच्छा मैसेज भेज सकेंगे और नशा मुक्त तेलंगाना के लिए ये एक बहुत अहम कदम होगा। थैंक यू। नहीं, सबसे खुशी की बात यह है कि तेलंगाना गवर्नमेंट अपने एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यहाँ इस्टेब्लिश किया है। संदीप शांडिल्या साहब उसके हेड हैं और बड़ी खुशी की बात है बिकॉज स्टेट लेवल पे नारकोटिक्स एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एहतमाम जो है पहली बार तेलंगाना में हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बट स्टेट लेवल पे ये बहुत खुशी की बात है। और अभी संदीप शांडिल्या साहब बता रहे थे कि काफ़ी पैसा भी मिला है इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए।
इंशाल्लाह धीरे धीरे ये कोशिश रंग लाएगी और हम लोग विल बी एबल टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ ड्रग्स इन यूथ एंड चिल्ड्रन एंड स्कूल किड्स. थैंक यू सो मच. भारत इंस्टीट्यूशंस के वसी वरीस कैंपस में मुल्की 78वीं यौम आज़ादी तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई. चेयरमैन भारत इंस्टीट्यूशंस CH वेणुगोपाल ने परचम कुशाई अंजाम दी और NCC कैडेट्स से सलामी भी हासिल की. उन्होंने अपने खिताब में मुल्की तरक्की और इसे दरपेश चैलेंजेस भी पेश किए, जबकि असातिज़ा और तलबा की जानिब से नेशन बिल्डिंग के लिए किए जाने वाले रोल पर भी तफसीली रोशनी डाली. इस मौके पर तलबा और तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के अलावा कॉलेज असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद इस तकरीब में शरीक थी. कौंसिल जनरल हिंद मुतायना जिद्दा के दफ्तर में भी 78वीं यौम आज़ादी तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई. इस मौके पर रंगारंग प्रोग्राम्स भी पेश किए गए. कौंसिल जनरल डेजिग्नेट जिद्दा फहद अहमद खान सूरी ने इस मौके पर कौंसिल कैंपस में मुल्क 78वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई अंजाम दी. इस तकरीब में इंडियन कम्युनिटी से वाबस्ता कई कम्युनिटी लीडर्स और अराकीन ने भी शिरकत की और कौंसिल जनरल को मुबारकबाद पेश की गई. तलबा तालिबात की जानिब से खुसूसी कल्चरल प्रोग्राम्स का भी इनेकाद अमल में लाया गया. हाजरीन ने इस मौके पर कौंसिल जनरल हिंद को मुबारकबाद पेश की. सऊदी अरब के दारुल खिलाफा रियाद में इंडियन एम्बेसी की जानिब से मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी तकरीब एम्बेसी के अहाते में जोश व खरोश के साथ मनाई गई. सफ़ीर हिंद डॉक्टर एजाज सुहैल ने परचम कुशाई अंजाम दी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूलमाला भी पेश किए. इस मौके पर एम्बेसी ऑडिटोरियम में मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए. इस तकरीब में इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स बिलखसूस हैदराबादी बरादरी से वाबस्ता कम्युनिटी लीडर्स स्टीयरिंग कमेटी अराकीन ने भी शिरकत की और सफ़ीर हिंद को मुबारकबाद पेश की गई.
آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نئی دہلی پہنچ گئے، فوسکان کے صدر نشین سے ملاقات، کانگریس ہائی کمان سے بھی ملاقات متوقع۔ گورنر ایم ایل سی کوٹے میں ناموں کی منظوری کے بعد عامر علی خان اور کودنڈا رام نے ایم ایل سی کی حیثیت سے حلف لیا، گورنر اور وزیراعلیٰ ریونت ریڈی سے اظہار تشکر۔ وزیراعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا جانا چاہیے، کارگزار صدر کے ٹی آر کا بیان۔ کولکتہ خاتون ڈاکٹر واقعے پر ملک بھر میں ڈاکٹرز کا احتجاج جاری، گاندھی ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کا احتجاج، آئی ایم اے نے 17 اگست کو ملک بھر میں ہڑتال کا کیا اعلان۔ آؤٹر رنگ روڈ پر سڑک حادثہ، شیرخوار کے بشمول 4 افراد ہلاک اور کئی زخمی، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔